तो भाई बड़ी खबर रायपुर से है, जहां महतारी वंदन के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। आज शाम 6 बजे तक महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। शाम 6 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा। अब तक 63 लाख महिलाओं ने आवेदन किए हैं। आज शाम 6 बजे तक महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। 63 लाख महिलाएं अब तक इसके लिए आवेदन कर चुकी हैं। इस महतारी वंदन योजना के जरिए से महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उनके खातों में कुछ राशि डाली जाएगी। शाम 6 बजे के बाद यह पोर्टल बंद हो जाएगा। महतारी वंदन योजना, जिसे मोदी की गारंटी में एक गारंटी भी चुनाव के वक्त माना गया, और अब इस गारंटी को पूरा करते हुए शायद सरकार नजर आ रही है। शाम 6 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएंगे। अब तक इसमें 63 लाख महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं रायपुर से। अंकुश, आज आवेदन की आखिरी तारीख है, शाम 6 बजे के बाद पोर्टल बंद हो जाएंगे, लेकिन अब तक जिस तरीके से महतारी वंदन योजना का रजिस्ट्रेशन दिखा है, जो नंबर निकलकर सामने आए हैं, क्या ये नंबर उत्साहजनक माने, या फिर जो सरकार लेकर चल रही थी कि इस लेवल तक नंबर आ सकते हैं, उस हिसाब से ये कम रहे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में थी, उस दौरान मैनिफेस्टो में काफ़ी महत्वपूर्ण वादा किया गया था कि महतारी बंधन योजना के माध्यम से प्रदेश की जो विवाहित महिलाएं हैं उनको 12,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। और जिस तरीके से इस योजना के माध्यम से जब बीजेपी सरकार में आई और सरकार में आने के बाद जब इस योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, तो शुरुआती दौर से ही रुझान जो है काफ़ी उत्साहजनक देखे गए। और अब तक का जो आंकड़े हैं वो प्रदेश में करीब 70 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि प्रदेश में जो महिलाओं की आबादी है वो आधी आबादी से ज़्यादा है, और ऐसे में 70 लाख के आसपास महतारी वंदन योजना के रजिस्ट्रेशन पहुंचना अपने आप में बताता है कि महिलाएं कितनी उत्साहित हैं। हालांकि आज आखिरी दिन है, शाम को 6 बजे के बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से ये जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएंगे, और उसके बाद 21 से 25 तारीख तक इसमें दावा आपत्ति का समय निर्धारित किया गया है। दावा आपत्ति के बाद 25 से 29 तारीख तक दावा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, और मार्च के पहले सप्ताह में ही इसमें फाइनल सूची है जो वो जारी कर दी जाएगी। फाइनल सूची के बाद स्पष्ट तौर पर जो महिलाओं को एक मार्च से जो इस योजना का लाभ मिल रहा है उनके खाते में करीब 12,000 रुपया सालाना जो है वो जमा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अब तक के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी उत्साहजनक है। महिलाओं को इसका सीधा तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, और सरकारी योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का जो प्रयास है सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं सरकार महिलाओं का सहयोग करते हुए नजर आएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है और शाम को 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, 70 लाख के आसपास ये आंकड़े पहुंच रहे हैं, और आज आखिरी दिन होने के नाते आज महिलाओं में ज़्यादा उत्साह जो है वो सुबह से ही देखा जा रहा है। और जो चॉइस सेंटर है या फिर जो ऑफलाइन जो सेंटर है जहाँ पर महिलाएं अपना फॉर्म जमा करा सकती हैं, वहाँ पर सुबह से ही भीड़ भरा माहौल जो है वो देखा जा रहा है। शाम को 6 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी, शाम को 6 बजे के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। एक बात स्पष्ट है कि महतारी बंधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लगातार मांग उठ रही थी कि डेट को बढ़ाया जाए, वो स्पष्ट हो गया है कि प्रशासन इस डेट को बढ़ाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और आज ही सारी प्रक्रियाएँ खत्म हो जाएंगी। आदर्श, ठीक है, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस योजना के जरिए